मैं कोई खिलौना लाता, तुम फिकवा देती। आंटी कोई कपड़े देती थी, तुम वो भी फिकवा देती थी। आंटी ने सब संभाल के रख लिया, उन सारे फेंके हुए कपड़े और टूटे हुए खिलौनों से एक पूरी अलमारी भरी पड़ी है। क्या ये प्यार नहीं है अम्मू? क्या हार्ट अटैक? मैं अभी आता हूं। हाँ ठीक है, तो फिर मैं सुबह आता हूं। बेटा आया हुआ है और आज भी घर पर नहीं। अरे कम से कम आज तो आके घर पे मर लेता, जब देखो तब। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? मुझे समझ में नहीं आता है। कभी हक में बोलती हो तो कभी उल्टा। लगता है जैसे दो लोग बात कर रहे हो, दोनों को तुम जानती हो तो इस तराजू पर तौलती हो कि उस वक्त तुम्हें किसका साथ देना है और किसका ख्याल रखना है। अगर मैं हूँ और दूसरा जान पहचान वाला हो तो मेरा साथ दोगी, मैं हूँ और तुम हो तो अपना खेमा संभालोगी। तो ये कौन सी नई बात कर रहा है, कोई भी ऐसा ही तो करेगा। क्यों करेगा? करेगा तो गलत कर रहा होगा। हक में या खिलाफ में इस बात पर जाओगी कि क्या सही है क्या गलत, एटलीस्ट किसी खास मुद्दे के हिसाब से, या कि इस बात पर कि तुम्हें उस वक्त किसके साथ आइडेंटिफाई करना है। बिल्कुल, इस बात से भी तय होगा कि कौन मेरे ज्यादा करीब है, मैं किसके ज्यादा करीब हूं। तो मैं फिर वही बात दोहराऊंगा। क्या तुम मतलबी हो? कौन मतलबी नहीं है?
होते हुए देखा है तुम दोनों बाप बेटों। हमेशा से कहते चले आ रहे सभी अपने अपने कंडीशंस से होते हैं, मतलब मेरी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी, ऐसा नहीं हो सकता क्या? कई बार नहीं भी, मैं बड़ा हुआ तो मैंने आंटी के पास जाना छोड़ दिया है ना। क्यों छोड़ दिया? मैंने तो नहीं कहा था मैं वहां ना जाऊं। ये बात तुम्हें अच्छी तो लगती थी। पर क्यों अम्मू, क्यों आखिर एक ऐसे इंसान के पास जिससे मिलने का मेरा मन होता था, जो मुझसे मिलकर खुश होता था, मुझे नहीं जाना चाहिए था? सिर्फ इसलिए ना कि तुम मेरी अम्मू हो जो चाहती है कि मैं वहां ना जाऊं। अब मैं नहीं समझ पा रही तू कहना क्या चाह। कुछ नहीं अम्मू, सिर्फ इतना कि जमाना बीत गया, जो चीजें खत्म होनी होती हैं, जो रिश्ते टूट जाने होते हैं, उनमें इतना वक्त नहीं लगता। और जब तेरे गुस्से, तेरे एतराजों के बावजूद इतने समय में कुछ नहीं बदला, तो अब खुद को और दूसरों को और दुखी मत रख। इस उम्र में अब खुद का और दूसरों का और नुकसान मत होने दे। तुम लोग जो मांग रहे हो वो नहीं हो सकता। कैसे, मैं कैसे कर पाऊंगी छोड़? माफी ही तो मांग रहे हैं अम्मू, कोशिश तो कर सकती है ना। तुम्हारे हक में गुनाह जरूर हुआ, पापा को भी इस एहसास के साथ जी लेने दो कि तुमने उन्हें माफ कर दिया। गुनाह हुआ गुनाह ही है और रहेगा बेटा। मेरे लिए आंटी का प्यार गुनाह तो नहीं हो सकता ना। पापा ने एक्सेप्ट किए जाने के लिए मिन्नतें की, गिड़गिड़ाते रहे, पर कभी तुम पर या मुझ पर किसी टाइप का फोर्स तो नहीं किया, कभी शोविनिस्टिक तो नहीं हुए। जिंदगी जिए जाने में जो हुआ उसकी गुंजाइश कहीं ना कहीं जरूर बनी होगी, इससे हम में से किसी को भागना नहीं चाहिए। हाँ, अब इसमें भी मेरी ही जिम्मेदारी है ना। पहले बाप कहता रहा, अब तुम भी वही कहो। नहीं, आंटी का ख्याल मुझे तुम्हारी तरह हर वक्त रहता है, एक बच्चे की तरह। पहले बाप भी मानता था, अब तूने भी वही शुरू कर। अपनी माँ से अगर भीख मांगकर भी कुछ हासिल होता हो तो क्या गलत है? बस इंसानियत के नाते इजाजत। अच्छा, मैं अगर पापा से प्यार करना छोड़ दूं तो तुम्हें अच्छा लगेगा? उसी नजर से देखो ना। मैं खुद तुमसे पूछे बगैर आंटी के हक में जो चाहूं वो कर सकता हूं। फिर भी हम, और मैं किसी मोरल या सोशल प्रेशर की वजह से नहीं कह रहा,
एक सच तो ये भी है कि मेरे ऊपर कोई मोरल या सोशल प्रेशर बनता भी नहीं, जबकि मेरा बाप दो औरतों के साथ तकरीबन एक ही तरीके की जिंदगी जीते आया है। बस लेकिन तब उस दूसरी औरत के लिए मेरे ऊपर कोई मोरल या सोशल ऑब्लिगेशन भी नहीं बनता। सारी दुनिया ऐसे ही चलती, लेकिन मैं तुम दोनों के साथ रहना चाहता हूँ, तुम दोनों के साथ जीना चाहता हूँ। जब तक तुम्हारी इजाजत मुझे नहीं मिलती, मैं आंटी के दिल में ये एहसास नहीं जगा पाऊंगा कि मैं उनका भी हूं। दुनिया तुझे क्या कहेगी छोटू? दुनिया को कुछ नया कहने का मौका मिलेगा, ले लेने देना ये मौका अम्मू। मैं सारी उम्र तुम दोनों से एक सा रिश्ता जीना चाहता हूँ अम्मू, तुम्हारा तो मैं हूं ही। मुझे आंटी के एहसास में हो लेने की इजाजत दो। छोटू उठो बेटा, सुबह हो गई। पापा से मिलने जाना।